नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार कंसेप्ट सब्लिमेशन यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं मैजिक कुशन के ऊपर आप सब्लिमेशन कैसे करोगे, कैसे आप उसे ट्रांसफर करोगे, सब्लिमेशन आपको कैसे ट्रांसफर उसके ऊपर करना मैजिक कुशन के ऊपर। जनरली कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए, कुछ फोन कॉल्स भी आए ये लेकर के कि सर मैजिक कुशन के ऊपर वीडियो डालो, मैजिक कुशन के प्रिंटिंग के अंदर में देख पा रहा है कि प्रिंटिंग करने के बाद में जो पेटल्स की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, किस तरीके से हम उसे प्रिंट करें, क्या प्रिकॉशंस है, तो वो सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। ट्रांसफर करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कंप्यूटर के अंदर भी बताऊंगा कि आपको इमेज का प्रिंट आउट किस तरीके से लेना है, इमेज को डिजाइन किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको उसका साइज बनाना है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ, मैं आपको बताऊंगा सिस्टम के अंदर आपको किस तरीके से डिजाइनिंग करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास में मैजिक कुशन, तो मैजिक कुशन के ऊपर हमें डिजाइन बनाएंगे। एक स्क्वायर शेप में हमारे पास में मैजिक कुशन है और एक हार्ट शेप में मैजिक कुशन है, दो शेप से मेरे पास में होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा डिजाइनिंग आपको किस तरीके से करनी है, हार्ट शेप के लिए, स्क्वायर शेप के लिए। सबसे पहले देखो, मैं आपको बता दूं मेरे पास में कोरल ड्रॉ है, मैं कोरल ड्रॉ के अंदर डिजाइन कर रहा हूं। आप देख लीजिए कि आपके पास में क्या कंपेटेबल सॉफ्टवेयर आपके पास में, इवन आप पावर पॉइंट के अंदर भी डिजाइन इसे कर सकते हो। अगर कोरल ड्रॉ आपको ज्यादा अच्छे से नहीं चलाना आता है, थोड़ा मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा। अदरवाइज कोरल ड्रॉ का ट्यूटोरियल भी आपको अवेलेबल होगा यूट्यूब के ऊपर, आप यूट्यूब से भी उसकी हेल्प ले सकते हो। बाकी मैं अप्रोक्स आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप उसे डिजाइन करोगे, क्योंकि मैंने कई सारे क्लाइंटों को देखा है कि वो यूट्यूब से हेल्प लेकर के काम करते हैं डिजाइनिंग के अंदर। मैंने काफी सारे लोग ऐसे इस तरीके से देखा है कि यूट्यूब के ऊपर से वीडियो देखते हैं प्रिंटिंग का, किस तरीके से उन्होंने डिजाइन करा और फिर एक बार अपना सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको शुरू करूंगा, पहले स्क्वायर शेप का मैजिक क्वेश्चन हमारे पास में है। तो सबसे पहले स्क्वायर शेप के लिए सबसे पहले जो हमने साइज के ऊपर हम प्रिंट निकालने वो निकालने वाले, वो साइज का पेपर हमने ले लिया। ये A4 साइज यहाँ पर लिखा हुआ है, A4 साइज हमने सिलेक्ट कर लिया। अब A4 साइज के बाद में हमें प्रिंट आउट निकालना है मैजिक कुशन के लिए स्क्वायर शेप का। तो सबसे पहले ये आ रहा है स्क्वायर शेप रेक्टेंगल टूल, हम एक स्क्वायर शेप ले लेते हैं, इसे 8x8 इंच के अंदर हम इसे रखेंगे। तो ये मिलीमीटर से हमने इसे इंचेस में कन्वर्ट कर लिया, बॉक्स को सिलेक्ट करा और ये 8x8 इंचेस में मैंने इसका डायमेंशन डाल दिया, लेंथ भी और ब्रेथ भी 8x8 इंचेस का हो गया। मैंने ये पेज के अंदर सिलेक्ट कर दिया, मैंने पी अल्फाबेट प्रेस करा तो ये पेज के अंदर आपका फिट हो गया। अब इसके बाद में हमें फोटो इसके अंदर लगानी है, फोटो के ये फोटो है हमारे पास में, इस फोटो को ले जाएंगे, ये फोटो है हमारे पास में, इस फोटो को इस बॉक्स के अंदर हमें लगाना है। मैंने इसका डुप्लीकेट बनाया Ctrl+D करके, इसका डुप्लीकेट बन गया फोटो का। फोटो के ऊपर राइट क्लिक करा, इसमें सबसे ऊपर आ रहा है पावर क्लिप इनसाइड, पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करा, देन बॉक्स के अंदर लेकर के गए इस एरो को और क्लिक कर दिया। तो इमेज क्या हुआ, इमेज इस बॉक्स के अंदर फिक्स हो गया। अभी अगर हमें रिसाइज करना है तो अभी हम इस तरीके से मूव करेंगे नॉर्मली तो मूव नहीं होगा, डबल क्लिक जैसे करेंगे ये बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। अब बॉक्स ओपन होने के बाद में आप इसे अपने हिसाब से जैसे भी आपको एडजस्टमेंट रखना है इसका, आप इसे एडजस्ट कर लो, ठीक है, ये एडजस्ट कर दिया और ये आ रहा है नीचे स्टॉप एडिटिंग कंटेंट, इस पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आपका फोटो पूरा उतना उतना क्रॉप हो गया, ठीक है। दूसरा, अभी इमेज के ऊपर जो बाहर एक ब्लैक कलर की आउटलाइन आ रही है, इसे हटाने के लिए मैंने क्या करा, ये ऊपर जो है राइट जो क्रॉस बना हुआ है इसके ऊपर ले जाकर राइट क्लिक कर दिया। अब राइट क्लिक करने से क्या हुआ, इसका जो बाहर की वो आउटलाइन थी वो आपकी हट गई इसके अंदर से। तो स्क्वायर शेप का इतना हमारा काम हो गया, अभी हमने एक फोटो सेट कर लिया। अभी स्क्वायर शेप के मैजिक कुशन के ऊपर हम दो तरफ प्रिंट करेंगे, एक व्हाइट की तरफ और एक जो भी कलर का कुशन करेंगे, गोल्डन करेंगे तो गोल्डन के ऊपर प्रिंट करेंगे, या रेड कलर का कुशन करेंगे तो रेड कलर के ऊपर प्रिंट करेंगे। ये तो हमने कर दिया व्हाइट के लिए, जो हम व्हाइट सरफेस के ऊपर प्रिंट करेंगे। अब उसके बाद में अगर हमें कुछ कोट्स वगैरह लिखना है तो ये हमें एक बॉक्स और बनाया, अगेन इसे 8x8 इंचेस का लेंगे हम लोग, ठीक है। इसे पहले मैंने पूरा ब्लैक कर दिया, आप इसका कलर ब्लैक ले लेंगे, मैंने पूरा जेट ब्लैक कर दिया ये। अब उसके बाद में इसके अंदर मैं कुछ अल्फाबेट्स लिखूंगा, जैसे हम लिखते हैं आज आई, ये मैंने व्हाइट कलर में ले लिया ताकि इजीली ब्लैक कलर के ऊपर विजिबल हो जाए। मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लूंगा, फॉन्ट मैंने ये लिया है इसका, ठीक है। साथ ही में और थोड़ा सा अट्रैक्टिव ये लगेगा, मैं इसमें एक हार्ट शेप बना देता हूं, एक हार्ट शेप मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ और ये भी मैंने व्हाइट कलर से फिल कर दिया इस तरीके से,
रिसाइज करा मैंने सेल का से, टिल्ट करा और इसे इस तरीके से लगा दिया। ठीक है जी, अभी हमने इतना कर दिया। इसके बाद में नीचे हम यू ओ लिख देते हैं, वाई ओ यू। ठीक है, अल्फाबेट शायद हमने स्टेंस लिया था, तो अब ये ब्लैक कलर से विजिबिलिटी नहीं आएगी, इसे भी हमने व्हाइट कलर से ले लिया और इस तरीके से हमने ये ठीक है ये हमने रेडी कर दिया। एक हमारा डिजाइन ये रेडी हो गया मैजिक कुशन के एक तरफ प्रिंट करने के लिए, एक हमारा ये डिजाइन रेडी हो गया। ठीक है जी, अब इतना करने के बाद में इतना कर दिया हमने, अब इसके बाद में हार्ट शेप की अगर हम बात करें, हार्ट शेप पे अगर हमें प्रिंट निकालना है तो पेज एक और हमने ऐड करा, एक यहाँ पर हमने बेसिक शेप टूल्स में हार्ट शेप ऑलरेडी बना हुआ है, इसके अलावा और भी काफी सारी शेप्स हैं, हार्ट शेप पे क्लिक करा हमने और एक हार्ट शेप हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आइडिया से कर दीजिए जो A4 के अंदर फिक्स हो जाए। अगेन वही इमेज के ऊपर राइट क्लिक करा, पावर क्लिप इनसाइड और इमेज को इंसर्ट कर दिया, फिर इमेज के ऊपर डबल क्लिक करा, इमेज आपकी खुल गई। अभी आपको रिसाइज कर लो इमेज को जैसे भी आपको लगता है। ठीक है, ये इस तरीके से हमने फिक्स कर दिया और ये हमने स्टॉप एडिटिंग कंटेंट पे क्लिक कर दिया। और भी काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं डिजाइनिंग के, मैं सिर्फ कोरल ड्रॉ मेरे पास में है तो मैं कोरल ड्रॉ के अंदर आपको बता रहा हूँ, बाकी तरीका ये है इस तरीके से आप इसे करेंगे। और इमेज को अब ये पेपर के अंदर फिक्स नहीं हो रही, तो इमेज को मैं रोटेट कर दिया 90 डिग्री, ये पेपर के अंदर हमारा फिक्स हो गई। हल्का सा इसे हम रिसाइज भी कर देंगे। देखो मैं इसे बिना साइज के इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हार्ट शेप मैजिक कुशन के ऊपर प्रिंट करेंगे, उसमें कोई स्पेसिफिक पैच नहीं बना हुआ जिसके ऊपर हम इमेज को फिक्स करना है, वो फ्री टू प्रिंट है, आप कहीं भी उसके ऊपर प्रिंट कर सकते हो। तो ये हमारा हार्ट शेप के लिए हो गया, तो ये हमारे स्क्वायर शेप के लिए एक तरफ प्रिंट हो गया और ये हमारे स्क्वायर शेप का दूसरी तरफ के लिए प्रिंट हो गया। ठीक है, साथ ही में एक प्रिंट में और एक्स्ट्रा निकाल लेता हूँ, आपको तभी मैं बताऊंगा किस आइटम के ऊपर मैं ट्रांसफर करूंगा उसे, वो मैं भी आपको बता दूंगा। ये मैंने इमेज पे क्लिक करा, पी प्रेस करा, ये पेज के अंदर सेलेक्ट हो गया और अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा जो सेम हमने उसके दूसरी तरफ लिखा था, एक हार्ट शेप बना दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और यू लिख दिया मैंने ये। अब ये फोटोज आपको नहीं दिख रहे होंगे, ये मैं एक बार सेलेक्ट करेंगे ने इस तरीके से पेपर इसके फोटो के पीछे चला गया है। शिफ्ट पेज अप की हम कमांड दबाएंगे, होल्ड फॉर द मोमेंट इसे, फिर हम पहले पिंक कलर में हमने कर दिया, इसे हम पावर क्लिप ही कर देंगे। फिर राइट क्लिक करा, पावर क्लिप इनसाइड और पेपर के अंदर सेट हो गया ये। अब इमेज पे हमने डबल क्लिक करा और ये बॉक्स आपका खुल गया और इसे जैसे भी आपको जहां भी अलाइनमेंट इसका चाहिए उस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर लो। हल्का सा नीचे स्लाइड कर देंगे ताकि अलाइनमेंट में आ जाए और इसे हल्का सा इसे स्क्वीज कर देंगे, हमने छोटा कर दिया। ठीक है जी, और हमने स्टॉप एडिटिंग कंटेंट, एक तो स्टॉप एडिटिंग कंटेंट का भी ऑप्शन है, या इमेज के ऊपर राइट क्लिक कर दो और फिनिश एडिटिंग डिसेबल कर दो तो ये आपका सेट हो जाएगा। तो अब ये प्रिंटआउट हमारा रेडी है, तो चार प्रिंटआउट हम लोग निकालेंगे। तरीका सिंपल है प्रिंटआउट कमांड देने का, कंट्रोल पी करके बस इमेज को आपको मिरर करना है। ये प्रिंटआउट मैंने अभी आपको बताया प्रिंटआउट कैसे निकालना है, ये डिजाइन सारा मैंने आपके लिए सिस्टम के अंदर बताया था किस तरीके सेट करना है। एक ये डिजाइन हमें प्रिंट करेंगे, एक ये डिजाइन हम लोग प्रिंट करेंगे और एक ये डिजाइन हम प्रिंट करेंगे उसके ऊपर हार्ट शेप मैजिक कुशन के ऊपर, और साथ ही में एक डिजाइन हम लोगों ने ये निकाला हुआ है जो हम व्हाइट की तरफ प्रिंट करेंगे, जो हमने कुशन कवर के पीछे व्हाइट कलर का पार्ट जो लगाया, व्हाइट कलर कपड़ा जो लगाया उस साइड प्रिंट करेंगे। तो बता रहा हूं मैं आपको टेम्परेचर क्या सेट करना है, कैसे सेट करना है। मशीन मैंने चालू कर दी है, वही कॉम्बो हीट प्रेस है हमारे पास में, पूरा 11x14 इंच का हीटर है। हमने टेम्परेचर सेट करा हुआ है 355
मिनिमम 355 मैक्सिमम और 60 सेकंड्स के लिए हम लोगों ने सेट करा हुआ है। टाइमिंग इसकी थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा करके 70 सेकंड करेंगे मैजिक कुशन के लिए। ये 70 सेकंड हम लोगों ने कर दिया, फिर मोड का बटन प्रेस करा, 355 इसका करंट टेम्परेचर है, मतलब प्रिंटिंग के लिए आपका मशीन बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम प्रिंटिंग करना सीधे सीधे चालू करेंगे और शुरू करेंगे हम अपना रेड कलर के मैजिक कुशन से। ये कुशन हमारे पास में है, इसके ऊपर हम लोग प्रिंटिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा था इसके अंदर प्रिंटिंग, देखो सबसे पहले तो कुछ लोगों की शिकायतें हमारे पास में आती है कि सर प्रिंटिंग तो करते हैं मैजिक कुशन के ऊपर, प्रिंटिंग भी अच्छी आती है, लेकिन जब हम उसे स्लाइड करते हैं तो कुछ जो पेटल्स की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। उसके पीछे दोस्तों सबसे बड़ा रीजन ये है, आप जब कुशन को अपने को हीट कर रहे हो, कुशन को हीट करने के तुरंत बाद पेटल्स को मत छेड़ो, उसे थोड़ा सा टाइम दो उसे ठंडा होने का। जब भी पेटल्स ठंडा हो जाएगा तब उसके बाद में आप अपने पेटल्स को छेड़ो, जिससे उसका पोजीशन बिल्कुल एक ही जगह सेट हो जाएगा। क्योंकि जब पेटल्स गर्म होंगे आपके, और गरम गरम को अगर आप गरम गरम को आप हिला देते हो पोजीशन को, तो इसलिए वो पोजीशन अपना चेंज कर देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसे एक सिंपल प्री हीट करेंगे। प्री हीट करने में क्या है, एक बार हीट करने के बाद इसे सिंपली ऐसे हीट करेंगे बिना प्रिंट लगाए। मशीन को हमने मूव करा और ये सिंपली ऐसे ही 5 सेकंड हम लोग इसे प्रेस करेंगे। बस हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि पेटल्स जो अपनी पोजीशन ले लें बस, क्योंकि गरम गरम को पेटल्स को जब भी हम हिला देंगे ना वो तुरंत अपना पोजीशन चेंज कर देते हैं। अभी ये ठंडा इतने हो रहा है तो हम प्रिंट आउट की कटिंग कर लेते हैं। तो ये प्रिंट आउट की हम लोगों ने कटिंग कर ली है। मैं थोड़ा एज टू एज इसलिए काट रहा हूं ताकि अलाइनमेंट का मुझे पता चल पाए किस तरीके कहां पर लगे कि फिट बैठ रहा है। ये हम लोगों ने लगा दिया पेपर, ठीक है, और टेफ्लॉन शीट हमारे पास में है, टेफ्लॉन शीट मैंने ऊपर से लगा दिया और मशीन को मैंने प्रेस कर दिया। प्रेस करने के जस्ट बाद में लास्ट वाला बटन प्रेस कर दिया जिससे आपका टाइमिंग चालू हो गया, और ये टाइमिंग करीबन 60 सेकंड तक ही चलेगा। तो हम वेट करेंगे, इसका 70 सेकंड सेट करा हुआ है तो 70 सेकंड तक के लिए चलेगा, बस तो उतने तक के लिए वेट करेंगे। और उसमें कुशन हम लोग जो बनाते हैं मैजिक कुशन, इतने टाइम चला था मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं। हमारे पास में मैजिक कुशन पहले तो दो शेप्स के अंदर है, एक आपका ये हार्ट शेप और एक स्क्वायर शेप जो हमने इसके अंदर लगाया हुआ है। दूसरी चीज, एक तो ये ब्लू कलर में जैसे कुशन है, हमने पीछे की तरफ जो इसके अंदर कपड़ा लगाया है वो ब्लू कलर का सिलाया हुआ है। दोनों कलर कॉम्बिनेशन के साथ में कुशन की कवर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों की आते हैं आइडियाज की भाई हमें पीछे की तरफ भी आप एक व्हाइट कलर का कपड़ा स्टिच करके दे दो, हम लोग पीछे भी फोटो प्रिंट करेंगे। जैसे ये कुशन की मैं बात करूं, इसमें पीछे व्हाइट कलर का कपड़ा हम लोगों ने लगाया हुआ है, या ये गोल्डन कलर का कुशन है, इधर स्लाइड करेंगे तो व्हाइट है ये, और पीछे भी इसके अंदर व्हाइट कलर का कपड़ा हम लोगों ने लगाया हुआ है। तो जनरली हमारे पास में जो कुशन कवर्स हैं वो इस तरीके से हैं, कलर कॉम्बिनेशन के साथ में आगे भी आपका ब्लू है और पीछे भी ब्लू कलर का कपड़ा हम लोगों ने लगा दिया है। अगर पीछे व्हाइट कलर का कपड़ा हम लगा देंगे तो आपको पीछे भी प्रिंट करने का ऑप्शन आपके पास में रहेगा कि आप पीछे भी इसके अंदर प्रिंट कर सकते हो। मैं बात को कंटिन्यू करूंगा, मशीन बीप कर रही है तो आइटम को भी निकाल लेते हैं। हमने लास्ट वाला बटन प्रेस करा और बीपिंग करना मशीन ने बंद कर दिया और मैं मशीन को स्लाइड करा और ये हमने अपना प्रिंट निकाले। देखो क्या शानदार प्रिंट आया है, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों अभी आपको पेटल्स को नहीं छेड़ना है, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे उसके बाद में इसे हम स्लाइड करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास में जो कलर कॉम्बिनेशन के साथ में ये कुशन्स रेडी हैं। इसके अलावा अगर आप बोलेंगे कि भाई आपको भी व्हाइट कलर कपड़ा पीछे स्टिच करके चाहिए, आपको भी पीछे फोटो प्रिंट करना है, तो वो सारी ऑन ऑर्डर कस्टमाइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज ये स्टॉक हमारे पास में रेडी रहता है। तो ये मैंने सिंगल साइड प्रिंट कर दिया, अब इसे दूसरी साइड भी प्रिंट करेंगे, थोड़ा सा ठंडा इसे होने देंगे, ठीक है। इसे मैं आपको पीछे की तरफ से भी प्रिंट करके दिखाऊंगा क्योंकि इसमें पीछे व्हाइट कलर का कपड़ा लगा हुआ है, पीछे से भी मैं आपको इसे प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो ठंडा हो गया ये, अब हम इसे स्लाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब इस केस में जब हमने इसे देर में स्लाइड करा, इसमें देखो पेटल्स का बहुत ही मिनिमम लेवल पर जो पोजीशन हुआ है वो चेंज हुआ है, बहुत ही मिनिमम लेवल पर। आप ये देखिए जो क्लियरिटी बिल्कुल सेम एज इट इज है जैसे पहले था। अभी ये दूसरा डिजाइन मेरे पास में है, अब मैं ये इसके ऊपर ट्रांसफर करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसे रेड की तरफ स्लाइड कर लिया मैंने सारा, ये मैंने पूरा रेड की तरफ स्लाइड कर लिया है।
ये डिजाइन मेरे पास में है इस तरीके से है ये, और सीधा मैंने इसके ऊपर रखा, ठीक है, प्रेस करा और ये मैंने मशीन से प्रेस कर दिया और लास्ट आखिर में लास्ट वाला बटन में दबा दिया। अब 60 सेकंड्स के लिए काम डाउन चालू हो गया इसके अंदर, इतने इसका वेट करते हैं तो एक दो चीजें और आपको बता देता हूँ। दूसरा, इसके अंदर हमारे पास में मोर देन 15 to 16 कलर्स अवेलेबल हैं, इसके अंदर मेरे पास में 15 से 16 कलर है। थोड़ा स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जितना कलर पॉसिबिलिटीज था मैंने उतना लगा दिया है। ये देखो ये कुशन, ये प्रिंट कर रखा है मैजिक कुशन, एक हार्ट शेप में ये प्रिंट किया हुआ है हम लोगों ने, तो बहुत ही कलर रेंज इसके इसमें मेरे पास में है। आप जैसे बोलोगे उस तरीके से हो जाएगा, ये मल्टी कलर में है। आप इसे देखेंगे कितना प्यारा कुशन है ये। ये दोस्तों वही कुशन है जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड के अंदर है, सबसे ज्यादा यही डिमांडिंग में है आज की डेट में, मैजिक कुशन आपका। 26 सेकंड बचा है, 26 सेकंड का और वेट करेंगे इसके अंदर। इसमें दोस्तों देखो, मैंने आपको दो चीजें जनरली प्रॉब्लम आती है मैजिक कुशन को प्रिंट करते टाइम। एक आपका प्रिंट पोजीशन, जो आपका प्रिंट का जो पेटल्स है वो अपना पोजीशन चेंज कर देता है। ये टाइमिंग ओवर हो गया, मैं आपको पहले ये बता दूं फिर एक बार आपने बात कंटिन्यू करता हूँ। ये बीपिंग कर रहा है, मैंने मशीन उठा लिया, लास्ट वाला बटन प्रेस कर दिया, बीपिंग करना मशीन ने बंद कर दिया और मैंने मूव करा, देखिए साथ ही में ये आपका प्रिंट हो गया। बस थोड़ा सा ठंडा होने का टाइम हम लोग इसे देंगे। हम लोग इसी तरीके से दिया था, सेंटर में ब्लैक और साइड में व्हाइट व्हाइट हम लोग डालते, नीचे का रेड कलर निकल करके आ गया, तो बहुत ही सुंदर ये लग रहा है। अब इसमें एक फोटो प्रिंट करेंगे पीछे की साइड, बस थोड़ा सा ठंडा होने का हम इसका वेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये ठंडा कर दिया हम लोगों ने, ठंडा हो गया ये। अब ये इधर तो लिखा हुआ है आई लव यू और इधर हमने इधर लगा दिया कपल का एक फोटो। तो देखिए क्या एक मतलब बढ़िया आइडिया है किसी को, अगर आपको एक गिफ्ट करना है मैजिक कुशन, एक साइड उनका क्यूटेस्ट सा फोटो, मतलब बढ़िया सा फोटो एक आप उधर लगा दो और दूसरी साइड एक कुछ भी कमेंट्स आप इसे डार्क कलर में इधर डाल दो। अच्छा दूसरी चीज ये मैं आपको बताऊं, इसके अंदर हम लोगों को सिर्फ डार्क कलर से लिखना है, अगर आप लाइट कलर से रेड कलर के ऊपर या गोल्डन कलर के ऊपर आप लिखोगे या प्रिंट करोगे वो एग्जैक्टली विजिबिलिटी नहीं आएगी। खास मेरा तो आइडिया यही है, मेरा सजेशन आपको यही है, कभी भी आप कलर्स के ऊपर आप प्रिंटिंग कर रहे हो डार्क कलर से प्रिंटिंग करो ताकि कलर थोड़ा सा आपका निकल करके आए। तो हमने व्हाइट की तरफ तो एक कपल का फोटो प्रिंट कर दिया और रेड की तरफ हमने कमेंट प्रिंट कर दिया या विशेष प्रिंट कर दी विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम या अमन वेड्स अनु, आप कुछ भी इधर इधर आप लिख सकते हो, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है। चलिए दोस्तों, ये हमने स्क्वायर वाला तो कंप्लीट कर दिया, साथ ही में मैंने आपसे बोला था पीछे भी प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो पीछे प्रिंट करने से पहले एक कॉपियर पेपर मेरे पास में है, कॉपियर पेपर मैं पहले पैड के ऊपर रखूंगा, बेड के ऊपर रखूंगा इसके हीटर के। तो ये मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जो हमने इधर प्रिंट करा है अभी हीटिंग से हमने वो ट्रांसफर करा है, अगर मैं दोबारा से इधर की तरफ से हीटिंग करूंगा तो थोड़ा बहुत इसका इम्प्रेशन जो है पैड के ऊपर ना चला जाए, आपका इम्प्रेशन आए तो सीधा आपका बस ये नॉर्मल जो कॉपियर पेपर हमारे पास में है जो फोटोकॉपी वाले पेपर होते हैं उसी के ऊपर जाए। तो इसलिए मैंने पेपर रख लिया है, तो ये हमने इस तरीके से रखा और साथ ही में ये प्रिंट आउट देखो मैंने ये निकाला हुआ था, ये मैंने आपको बोला था कि मैं तभी के तभी एक बार आपको बताऊंगा ये मैंने कहां प्रिंट आउट करके निकाला है। तो ये मैंने कटिंग कर दिया इधर से, दोस्तों अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें क्या हम लोग नया लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि यही एक सबसे इजी वे जिससे मैं आपसे कनेक्टेड हूँ कि आपको बताता रहूँ क्या आइटम हमारे पास में नया आया है, क्या उसे प्रिंटिंग करने का प्रोसीजर है। तो दोस्तों मैंने ये प्रिंट आउट निकाला हुआ है, मिरर निकाला हुआ है मैंने सब्लिमेशन एक सब्लिमेशन पेपर से, तो ये मैंने सिंपली रखा व्हाइट कपड़े के ऊपर और मैंने टेफ्लॉन शीट लगाया अपना जो हम हमेशा यूज करते हैं और मशीन को मूव करा, ये हमने प्रेस कर दिया और लास्ट वाला बटन लोगों ने प्रेस कर दिया। 70 सेकंड्स का इसमें भी टाइम लगेगा। तो इसके अंदर मैं आपको बताता प्रॉब्लम्स के बारे में, जनरली आपको प्रॉब्लम्स बस आएगा तो ये कि आपका जो पेटल्स की पोजीशन चेंज हो रही है वो, देखो इसके दो कारण है, एक मैंने आपको बता दिया है जब आपका कुशन हीट रहता है आप तभी के तभी पेटल्स की पोजीशन चेंज करना चाहते हो, आप चेंज करके देखते हो वो, लेकिन वो पेटल जो है आपका पूरा पोजीशन ही बदल देता है।
आपको इंस्टेंट पोजीशन चेंज नहीं करना है, इंस्टेंट आपको स्लाइड नहीं करना है, थोड़ा सा ठंडा होने का टाइम देना है। एक दिक्कत आपका ये है कि आपका हीटिंग से, दूसरा दिक्कत आपका आएगा तो ये कि कुशन कवर का जो क्वालिटी है आपका वो बहुत ही लो है, बहुत ही लूज क्वालिटी है, इसीलिए आपका पेटल्स का पोजीशन चेंज हो रहा है। भैया आप कह रहे हो कि आप मेरे तरीके से आप फॉलो कर रहे हो प्रिंटिंग प्रोसीजर को कि आपने प्रिंट करा, ठंडा होने का टाइम भी उसे दिया, लेकिन जब आप उसे स्लाइड कर रहे हो वो फिर से पोजीशन चेंज कर रहा है। तो दोस्तों जो कुशन कवर आप यूज कर रहे हो उसकी क्वालिटी जो है वो खराब है, वो लो आप यूज कर रहे हो। अच्छा क्वालिटी का कुशन यूज करो, जैसा क्वालिटी मैंने आपको दिखाया जो मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है मशीन के अंदर, या ये जो मैंने प्रिंट किया हुआ है आप खुद देख लीजिए क्या क्वालिटी इसके अंदर आया है। तो अच्छा क्वालिटी का यूज करो, कंसेप्ट सब्लिमेशन से आप बाय करो, आपको कोई टेंशन ही नहीं है फिर क्वालिटी का। तो क्वालिटी मशीन बीप कर रही है, तो बीपिंग के लिए हमने बटन दबा दिया लास्ट वाला और ये मशीन हमने उठा लिया। अब ये देखिए दोस्तों इधर हमारा ये सिंपल फोटो आ गया जो हमने उधर प्रिंट कराया, साथ में कमेंट भी आ गया जो हमने उधर प्रिंट कराया, और साथ ही में हमारा ट्रांसफर हो गया। देखो दोस्तों मैं इसकी बात कर रहा था, ये हल्का सा इम्प्रेशन इधर आ गया ना, लेकिन इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर ये इम्प्रेशन हमारा गलती से इस पैड के ऊपर चला जाता तो थोड़ा सा हमारा नुकसान हो जाता कि जो अगला आइटम हम प्रिंट करते फिर ये इम्प्रेशन उसके आइटम के ऊपर जाता। तो पेपर तो हमारा यूजेबल है, अभी वापस से प्रिंटर में लगा देते हैं, यूज हो जाएगा। और अभी ये देखो आपका कुशन अभी रेडी है, इधर आपका ये फोटो एक प्रिंट हो गया और इधर आपका फोटो आपका इधर प्रिंट हो गया। आप स्लाइड करेंगे आप देखिए कोई पोजीशन चेंज नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट ये प्रिंट हुआ आपका, देख लीजिए आप। तो दोस्तों इसी तरीके से सिंपल आपके पास में अगर हार्ट शेप में कुशन है, या मेरे पास में हार्ट शेप में ये ब्लू कलर में है, ये पिंक भी कलर मेरे पास में अवेलेबल है, रेड भी है, मोर देन 15-16 कलर मेरे पास में इसके अंदर अवेलेबल है। तो दोस्तों मैंने इसके लिए सिंपल एक हार्ट शेप का प्रिंट आउट निकाला हुआ है, कैंची से कटिंग करेंगे और कुशन के ऊपर रख करके ट्रांसफर कर देंगे, दैट्स इट। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक प्रिंट, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि। तो रेड कलर का कुशन मैजिक कुशन मैंने जिप से बाहर निकाल लिया, और पहले हमने जैसा बोला था कि एक बार नॉर्मली प्रेस करेंगे ताकि पेटल्स एक बार हीट होकर के ठंडे होकर के अपनी पोजीशन एक ही जगह पकड़ लें, फ्रीज हो जाए। ये प्रेस हमने कर दिया ओनली फॉर 5 सेकंड्स, अंदाजे से आप कर दीजिए, हल्का सा बस इसे ठंडा होने का टाइम देंगे। तो ठंडा हो गया सर ये, तो हम लोगों ने ये प्रिंट आउट में निकाला हुआ है, सिंपली प्रिंट आउट मैंने ऐसे रखा, ठीक है। और टेफ्लॉन शीट हमारी है, देखो मैं टेप का यूज नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर, हीट टेप का यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे कोई एग्जैक्टली परफेक्शनिस्ट क्वालिटी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से आपको प्रिंट करना है। अगर आपको दिक्कत लग रहा है कि आप टेफ्लॉन शीट को लगाते वक्त आपका पेपर स्लाइड हो जाएगा या हिल जाएगा, आप हीट टेप से उसे होल्ड कर दो प्लीज। कभी आप सोचे कि भैया कंसेप्ट सब्लिमेशन की वीडियो के अंदर आपको इस तरीके से था, आप मैंने भी टेप लगाकर अपना कुशन खराब कर लें, प्लीज आप टेप लगा करके होल्ड कर लीजिएगा उसे, उसके बाद में आपने टेफ्लॉन शीट लगाया और मशीन को मूव करा और मशीन को प्रेस करा और लास्ट वाला बटन आपने प्रेस कर दिया, अगेन 70 सेकंड्स का काम डाउन चालू हो गया। बस 70 सेकंड्स का हम लोग वेट करेंगे और जैसे वेट टाइमिंग आपका ओवर हो जाएगा मशीन बीप करेगी, हम अपने क्वेश्चन को निकाल लेंगे। तो वेट करते हैं 60 सेकंड्स का, तो 4 सेकंड सिर्फ बचे हैं, लास्ट वाला बटन हम लोगों ने प्रेस करा, बीपिंग करना बंद कर दिया, मशीन को हमने उठा लिया और स्लाइड कर दिया हमने, और अपने जो सब्लिमेशन का पेपर था हम लोगों ने हटा दिया। अभी देखो क्या शानदार क्वालिटी इसके अंदर आया है। बस देखो रीजन यही है, आप अच्छा क्वालिटी का पेपर यूज करो, अच्छा क्वालिटी का इंक यूज करो, और सेम ही अच्छा क्वालिटी का जिस आइटम के ऊपर आप ट्रांसफर करो, इवन वो मैजिक कुशन है, कोस्टर्स है, कीचेन्स है, या रॉक फ्रेम्स है, या कोलाजेस, आप कुछ भी आप यूज करो, सिर्फ और सिर्फ अच्छा क्वालिटी का यूज करो, तभी है कि आपका प्रिंटिंग का जो क्वालिटी जो मेरे पास में आ रहा है वीडियो के अंदर आपको दिख रहा है वो सेम टू सेम आपके पास तक आ पाएगा। तो बस थोड़ा ठंडा होने का वेट करेंगे, उसके बाद में इसे स्लाइड करेंगे। तो दोस्तों इजाजत चाहूंगा, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करूंगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर के आते हैं किसी नए आइटम का, आपको समझाएंगे क्या आइटम आपको किस तरीके से प्रिंट करना है। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी आइटम का वीडियो जल्दी चाहिए तो मैं आपको जल्दी ही अपलोड करके देता हूँ। चलिए दोस्तों शुक्रिया, नमस्कार, मिलते हैं जल्दी।